हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने मार्क्स मैन की सीरीज़ को शुरू किया था आ, बीच में थोड़े और मैगजींस कवर करना पड़ा जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ, हमने स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर किया अरिहन को कवर किया और दोबारा इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस्टैब्लिश बिफोर कांग्रेस मतलब हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मेम्बरशिप शुरू किया है हमारे चैनल पर आपसे जो है जो भी स्पीडी करंट अफेयर्स है वो मेम्बरशिप को प्रोवाइड किया जाएगा और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी दोस्तों उसमें राइट सेपरेट ग्रुप रहेगा आपको टेलीग्राम वगैरह का तो मिनिमम कॉस्ट रखा गया है क्योंकि अगर आप स्पीडी करंट अफेयर्स ख़रीदने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड वन एटी टू टू हंड्रेड मतलब सारे डिलीवरी चार्जेस फिर आपको चार पाँच दिन लग जाएंगे राइट नॉट इवन फोर फाइव डेज इट विल टेक अराउंड सेवन टू एट डेज लग जाएंगे आपको वेट करना पड़ेगा बट आपको घर बैठे हम लोग पहुँचा रहे हैं बट मिनिमम आपको कॉस्ट रहेगा मेम्बरशिप का राइट थर्टी फोर्टी रुपीज़ का कॉस्ट रहेगा जो हम सिर्फ एक चॉकलेट एक बिस्किट में ख़रीदने में उड़ा देते हैं दोस्तों राइट तो ये पर मंथ मेंबरशिप आपको दी जा रही है मिनिमम मेंबरशिप रखा गया है तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन हो जाइएगा राइट लिंक भी जो है हमने पोस्ट किया है हमारे चैनल पर वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बाद हमने कई सारे वीडियोज़ पर कॉमेंट भी किया है पिन किया है वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों राइट जल्द ही मैं मेम्बरशिप के वीडियोज़ भी स्टार्ट कर दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हु वॉज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बेनर्जी दोस्तों ठीक है हो अमोंग द फॉलिंग वॉज अ फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन तो अभी हमने पढ़ा है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी एस एन बेनर्जी द फर्स्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया इन एटीन थर्टी एट तो उसको क्या कहते थे उस टाइम पे तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन दोस्तों यहाँ देख लीजिए पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑफ़ द फॉलिंग सबमिटेड इन एटीन सेवेंटी फाइव ए पिटीशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें दैट इज ऑप्शन डी होगा दोस्तों द पूना सार्वजनिक सभा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑप्शन डी हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता दोस्तों विच ऑफ द फॉलिंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेस की बात करें तो ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड विच अमॉन्ग द फॉंग ई ईयर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज तो ऑप्शन है एटीन सेवेंटी फोर ए डी नेम द ऑर्गनाइजेशन फाउंड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एटीन एटी सिक्स तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है सो हु वॉज अ फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट अ पोलिटिकल रिफॉर्म्स तो ये सुरेंद्र नाथी थे पहली बार जो रेजिस्ट किए थे द मेड्रास महाजन सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑप्शन है एटीन एटी फोर Who among the following was one of the founder of Bombay Presidency Association? This is very very important दोस्तों फिरोज शाह मेहता है ये actually बहुत बार पूछा है यू में Arrange the following ऑर्गेनाइजेशन on the basis of the correct order की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन पहले हुआ था इंडियन लीग हुई थी उसके बाद इंडियन एसोसिएशन सॉरी उसके बाद मद्रास महाजन सभा देन इंडियन एसोसिएशन हुआ था ठीक है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयज डो नॉट मैच कौन सा मैच नहीं होता है वो आपको बताना है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता और इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे ये मैच नहीं होता है दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बंगा भाषा प्रकशिका सभा लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन लीग तो इनके फाउंडिंग ईयर के हिसाब से हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है दोस्तों ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है वन टू थ्री फोर राइट चलिए मैज ऑफ ये नहीं है ओके सो मैज ऑफ फॉलोइंग यहाँ पे दिया है आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट लेके आप इसको ये कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन दिया है और उनके फाउंडर्स दिए हैं दोस्तों कौन सा करेक्ट है आपको मैच करवाना है राइट right. तो उसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ दैट इज ऑप्शन ये हो गया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स राधाकंता देव फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गजलू लक्ष्मी नारासू छेट्टी फाउंडर ऑफ़ मद्रास महाजनसभा सुरेंद्र नाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन तो कौन सा करेक्टली मैच होता है ये आपको बताना है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी दोस्तों वन एंड थ्री ठीक है वन एंड थ्री इज़ अ राइट आंसर लेकिन uh, नेक्स्ट अनदर मैज अ फॉलोइंग है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया गया और फाउंडर्स दिए गए करेक्ट आपको पहचानना है दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर दोस्तों ठीक है हीर इज ऑल्सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ओके ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल एटीन फोर्टी फोर ए डी यहाँ पे नेक्स्ट मैज ऑफ फॉलिंग क्वेश्चन दिया गया दे आर सम एसोसिएशन हैव बीन गिवन और उनके फाउंडर से आपको मैच करवाना है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी दोस्तों थ्री टू फोर वन ठीक चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके बहुत ही कई सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ से जो है एक फाउंडेशन फॉर्म हुआ है हमारे इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का राइट इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है कांग्रेस का कंटिन्यूशन रहा है द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए सिविल सर्वेंट थे ठीक है याद रख लें यहां पे नाम नहीं दिया गया उनका प्रोफेशन आपको पूछा गया है दोस्तों वेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप दैट इज ऑप्शन एटी फाइव इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई ऑप्शन है ए वो ह्यूम कौन थे ये वो ह्यूम थे सिविल सर्वेंट थे द परकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों ऑप्शन भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एंड हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ऑप्शन सी सेवेंटी टू के इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से कहाँ पर हुआ था दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी मुंबई में हुआ था हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों डब्ल्यू सी बनर्जी हु अमॉन्ग द फॉलिंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन किसे बनाया गया था पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 कौन थे ऑप्शन है ए वो ह्यूम थे दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉय कौन थे उस टाइम पे वाइस रॉयलिटी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लॉर्ड डिन सो हु हैड कांग्रेस एज हू है शॉर्ट सर्टेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों लॉर्ड डफरिन ठीक है

टू गेन ए सपोर्ट फॉर कांग्रेस उस कमेटी के प्रेसिडेंट बने थे मिस्टर डिग्बी ठीक है नेक्स्ट फर्स्ट यूरोपियन टू भी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ऑप्शन भी हो गया जॉर्ज यूले नेक्स्ट हो अमॉग द फॉलिंग वॉज नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों ऑप्शन डी सर सैयद अहमद चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो हो अमॉग द फॉलिंग वॉज ने इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन इलेक्ट नहीं हुए थे वो भी आपको जानना जरूरी है तो ऑप्शन डी हो गया बाला गंगाधर तिलक हु अमंग द ट्रेयो लाल बाल पाल बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज ऑप्शन है लाला लाजपत राय दोस्तों हु अमंग द फॉलिंग बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें दैट इज ऑप्शन सी एनी प्रेजेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है कलकत्ता सेशन नाइनटीन सेवनटीन हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट एंड हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन से सरोजिनी नायडू दोस्तों सो हु अमॉन्ग द फॉलिंग वज अंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी अब्बुल कलाम आज़ाद ठीक है सो एट विच प्लेस वॉज अ ट्वेंटी सेवेंथ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके कहाँ पर हुआ था ये तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों पटना में हुआ था नहीं बंकीपुर में हुआ था सॉरी पटना में नहीं बंकीपुर में हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज़ माई बर्थ राइट आई शल हैव इट तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों लखनऊ सेशन में बोला गया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट और आई शल इट दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हु हुट दैट कांग्रेस मूवमेंट वॉज नेदर इंस्पायर्ड बाई पीपल नॉर डिवाइज और प्लैंड बाई देम तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन भी हो गया दोस्तों सर सैयद अहमद खान द कांग्रेस इज फ्लैटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वर इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस द डिक्लेरेशन वॉज मेड बाई ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ठीक है वेल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज वॉज तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों हु अमॉन्ग द फॉलिंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस तो ऑप्शन सी हो गया महात्मा गांधी ठीक है नेक्स्ट वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन आइडेंटीफाई द गवर्नर जनरल एंड प्लेस वेर द सेशन वॉज हेल्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी लॉर्ड वेलिंगटन बॉम्बे के 1915 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिसाइडेड ओवर बाय सी विजय राघव चैरियर तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों नागपुर सेशन नाइनटीन हु हू वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नाइनटीन की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए चित्रंजन दास महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर इन ओली इन वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर तब और सेशन कहाँ पर हुआ था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन से बेलगांव कर्नाटक में हुआ था दोस्तों द ओली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइड ओवर महात्मा गांधी वास बेलगांव सेशन जो कि नाइनटीन ट्वेंटी फोर में हुआ था ओके सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म हैज़ ए की टू द सोल्यूशन ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी लखनऊ हो गया दोस्तों द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 थर्टी एट वॉज प्रिस ओवर बाई हरिपुरा सेशन प्रिसाइड किए थे सुभाष चंद्र बोस ने कि ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए और बेलगांव सेशन प्रिसाइड किए थे कौन महात्मा गांधी जी ने सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर सिक्स ईयर्स यानी छः सालों तक प्रेजिडेंट बने रहे okay. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद सो okay. so, प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन थे दोस्तों ऑप्शन सी जे बी कृपलानी ओके सो ऑन विच जन वॉज द जनघन मन फर्स्ट संग पहली बार कब गाया गया था तो ऑप्शन सी नाइनटीन इलेवन सेशन ऑफ नाइन सी द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाई बाल गंगाधर तिलक वॉस ऑप्शन डी अमृतसर सेशन दोस्तों नाइनटीन नाइनटीन में हुआ था ठीक है सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है द फर्स्ट फर्टमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व सरोजिनी नायडू इसका द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दीन तैयब जी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो सकता है कई सारे लोग जो रख के आते हैं बट ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओनली टू इज़ राइट आंसर ठीक है सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कोलकाता द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नोरोजी बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड दर सेशन एट लखनऊ नाइनटीन सिक्सटी एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट क्या सही जवाब हो सकता है इसका तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री दोस्तों ओके तो पहला हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुआ था कलकत्ता में नहीं ओके बट सेकेंड नेशनल इनके प्रेजेंटशिप में हुआ था दादा बेनौर्जी का एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट टू सी इज़ अ टू एंड थ्री इज राइट आंसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस Sarajini Naidu was the first woman to be the President of Congress. C. R. Das was in prison when he functioned as President of the Congress. The first Britisher to become the President of the Congress was Alan Octavian Hume. A. O. Hume. Alfred Webb was the President of Congress in 1894. So the correct answer is 2 and 4 is the right answer. Option B is the right answer. So who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new Constitution of the Congress? एज पर रेजोल्यूशन ऑफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट अमृतसर सेशन नाइनटीन नाइनटीन तो करेक्ट आंसर इसका दैट इज बाला गंगाधर तिलक नहीं एन सी खेलकर और आई बी से इन दो नॉर्थ तिलक ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर ओके यहाँ पे आपको मैजा फॉलोइंगस दिए हैं आप चाहते हो इसका स्क्रीन शॉट लेके कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर भी दिया है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट ग्रुप्स एक्सट्रीमिट ग्रुप्स इन कांग्रेस जो मॉडरेट ग्रुप्स बने थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बने थे कांग्रेस में वो उसके बारे में जान लेते हैं सो मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम कहाँ से बिलोंग करते थे ये अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम नाइनटीन नाट फोर ऑनवर्ड्स एम्फोसाइज ऑन द ग्रेंड ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया दैट इज ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी दोस्तों नाइनटीन नाट फोर से ही नारा लगाया गया था कि सेल्फ रूल होना चाहिए इंडिया में और पहले नारा लगाने वाले थे दादा भाई नारोजी एंड द मेथड टू प्रोटेक्ट मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज किस तरह का मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों विच ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट की बात करें ऑप्शन डी जी के हु among द फॉलिंग वॉज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करें तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्णा घोखले एंड हुज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे पिटिशन एंड प्रोटेस्ट की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों बाला गंगाधर तिलक सो हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट के किसने बोला था एक्चुअली आई एन सी को एक बेगिंग इंस्टीट्यूट बोला गया था तो ऑप्शन बी तिलक में द इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाई द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर नाइनटीन नॉट सिक्स ठीक है और एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करना शुरू हो चुके थे नाइनटीन के बाद मॉडरेट्स का उतना दबदबा नहीं था उस टाइम पर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस की बात करें तो ऑप्शन है अरविंदो घोष एंड हु हुमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है बाला गंगाधर तिलक दोस्तों हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब किसे कहते थे तो ऑप्शन सी लाला लजपत राय एंड हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज कंसिडर बाय लाला लजपत राय हैज इस पोलिटिकल गुरु की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मजीनी याद रखें मजीनी विच ऑफ द फॉलिंग वॉज नॉट ए मॉडरेट दोस्तों वॉज नॉट ए मॉडरेट ऑप्शन बी गंगाधर तिलक ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स व सपोर्टर ऑफ द स्वदेशी की बात करें तो ऑप्शन है अरविंदो घोष हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया लोकमान्य तिलक हु कॉल्ड बाला गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की बात करें दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल एंड आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बी जी तिलक हु अमोंग द फॉलोइंगट प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ सांस्कृत स्कॉलर ऑप्शन बी मैक्स मिलर दोस्तों नेक्स्ट वॉट विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन सिक्स ईयर जेल पनिशमेंट इन नाइनटीन नॉट एट मतलब छः साल की जेल की सजा सुनाई गई थी किन दी गई थी दैट इज ऑप्शन बी गंगाधर तिलक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी दोस्तों ये यूपीएससी में रिसेंटली भी पूछा गया था एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बैग्रेसिव मीनस इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यून वेज द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हापिंग ऑन हिंदू पार्ट दोस्तों okay? सो इसलिए हिंदू मुस्लिम जो इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज जितने भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज थे एक तो अग्रेसिव पॉलिस थे और दूसरा ज़्यादातर हिंदूस को ज़्यादातर प्रिफर दिया करते थे राइट सो गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाई ऑप्शन है बाला गंगाधर तिलक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट बैर ऑफ बाला गंगाधर तिलक तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है शौकत अली असर्शन रीज़न दिया गया है सो गंगाधर तिलक वाज ए कम्युनलिस्ट थे दोस्तों और ही यूज़ द रिलीजन एज ए पोलिटिकल वेपन तो आपको करेक्ट आंसर इसमें पहचाना है असर्शन कौन सा रीजन कौन सा है तो ये इज फॉल्स बाला गंगाधर तिलक वाज नॉट अ कम्युनिस्ट ओके बट आर इज ट्रू दोस्तों ही यूज द रिलीजन एज अ पोलिटिकल वेपन इसीलिए तो उन्होंने गणपति फेस्टिवल को इनाग्रेट किया था तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर ठीक है चलिए यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करता हूँ छोटे छोटे वीडियोस में ही हम पढ़ेंगे पंद्रह बीस मिनट के वीडियोस में ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेव्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया ओके okay, स्लोली कवर किया जाएगा दोस्तों बट कंप्लीट किताब की जाएगी ओके इवन दो थोड़ा टाइम लग जाए सारे चीज़ें कवर करने में बट हम वन डे वी विल डेफिनेटली कम्प्लीट दिस बुक तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्थी थैंक यू सो मच